फैमिली साव फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ हम सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपने थंबनेल देखा होगा और आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, जो बात है वो मैं सीधा सीधा करूंगी। मैं नेहा दीदी का फायदा उठा रही हूँ, तो मैंने कहा कि ये सच सबके सामने आ गया है तो मैं ही क्यों ना सच बता दूं। पहले मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। और मुझे 6-7 दिन पहले ये बात पता चली जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी 6-7 दिन से कि मैं बनाऊं नहीं बनाऊं। फिर मैंने कहा कि क्यों ना, जब मैं फ़ायदा उठा रही हूं तो मैं बता देती हूं। इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। तो मैं नेहा दीदी का फ़ायदा उठा रही हूँ, मैं नेहा दीदी के साथ ब्लॉग बना बना के आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसी थिंकिंग ना दीदी की है, ना दीदी की फैमिली की है और ना मेरी है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं दीदी का फ़ायदा उठा रही हूँ और ना नेहा दीदी को लगता है कि मैं उनका फ़ायदा उठा रही हूँ। तो फिर ये किसे लगता है कि मैं उनका फ़ायदा उठा रही हूँ? जो फालतू के लोग होते ना, उन्हें लग रहा है, उन्हें लग रहा कि महिमा नेहा दीदी का फ़ायदा उठा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसी क्या बात हुई है, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। मतलब मेरे तक ठीक था कि मैं फ़ायदा उठा रही हूँ ऐसा ऐसा, तो मेरी फैमिली तक क्या जाना, मेरी फैमिली क्या सोचती है मेरे बारे में, उन्हें कैसा लगा होगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है, मेरे बारे में क्या सोचती है। आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि नेहा दीदी की फैमिली हमारे बारे में क्या सोचती है और नेहा दीदी क्या सोचती है हमारे बारे में। आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप अपने घर का देखो ना। ये जो बात हुई है कि महिमा नेहा दीदी का फ़ायदा उठा रही है या मतलब वो उनके थ्रू आगे बढ़ना चाह रही है, शायद वो वीडियो देख रहे हों तो खुद समझ जाएंगे कि ये बात मैंने बोली है। तो हम बात को स्टार्ट करते हैं कि बात क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नेहा दीदी के भाई की शादी 14 फरवरी की थी और मेरी ननद की शादी 9 फरवरी की थी, ठीक है। 2 या 3 में मैं चली गई थी, 9 की शादी थी, शायद मैं 3 को गई थी। और जो शादी के बड़े बड़े जो काम होते हैं, जो तैयारियां होती हैं, वो पापा ने, मम्मी ने, दीदी ने, सभी ने ये तैयारी कर ली थी। तो वहाँ ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं था। तो जो शादी का फंक्शन है, जो शादी का काम वगैरह है, तो इस वजह से मैं 3 को चली गई थी। हमारी और नेहा दीदी की मम्मी की अधिकतर बालकनी से बात होती रहती थी, सुबह शाम बात होती रहती थी, क्योंकि हमारा निकलना हुआ बालकनी में, आंटी का निकलना हुआ। आंटी को पता था कि महिमा की ननद की शादी है और महिमा 2-3 दिन में चली जाएगी। जा कि महिमा तुम कब जा रही हो? तो मैंने कहा आंटी अभी 2-3 दिन में मैं चली जाऊंगी। और बोले लगे अच्छा ठीक है। फिर मैं आगे की बात थोड़ा बाद में बताऊंगी कि क्या हुआ। तो मैं ये बता देती हूँ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या बोला है, ऐसी सोच रखते हैं, है? और मतलब तुम दूसरों को बता रहे हो, जो चीज है ही नहीं वो तुम दूसरों को बता रहे हो। तो मतलब जिसने ये बोला है वो खुद समझ जाएगा। और ये बोला है अरे महिमा तो अपनी ननद की शादी छोड़ छाड़ के आ गई है नेहा की भाई की शादी में, और क्योंकि ना उसे फ़ायदा होगा, ना उसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और वो आगे बढ़ेगी नेहा दीदी के साथ वीडियो बना बना कर, इसलिए वो अपने घर से भाग गई, उसे शर्म ही नहीं आई, बताओ इतनी जल्दी भाग आई कि ऐसा ऐसा। तो मैं पता है कि मैं कब आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या सिचुएशन हुई तो मैं आई हूँ, पता है। वैसे ही बोलने लगे हो आप, हद है यार, जब कुछ पता नहीं हो तो प्लीज़ किसी के बारे में ऐसा मत बोला करो। हमारी ननन की शादी 9 फरवरी की थी और भैया की शादी 14 फरवरी की थी, है? और उनने हमें किस तरीके से बुलाया, कैसे बुलाया। हम ऐसे तो शादी छोड़कर भाग नहीं आए कि जयमाला हुई नहीं और हम यहाँ पर भाग आए कि अरे हमें वहाँ जाना है, हमारे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, हमारी वीडियो कैसे बनेगी। हम पूरी विदा करके, जब दीदी की 11 बजे 12 बजे विदा हो गई, फिर हम लोग ललितपुर आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद आए। और हम लोगों का आने का मन नहीं था, हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा था, इन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था कि तुरंत जाना पड़ रहा। ललितपुर के मनीष भैया हैं और इनके बचपन के फ्रेंड हैं, बहुत खास दोस्त हैं इनके, बहुत खास दोस्त हैं। उनकी शादी भी 10 फरवरी की थी, उनकी शादी 10 फरवरी की थी और उनकी भोपाल आनी थी बारात। जब हम लोग वहाँ से आने लगे तो हमारी मम्मी है, छोटी मम्मी है, तो सभी ने ये बोला कि बेटा अच्छे से जाना क्योंकि रात भर के सब लोग जगे हो। लेकिन क्या करें, वो शादी ही ऐसी पड़ गई थी। और मनीष भैया की शादी का हम लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था कि भैया की शादी कब होगी, हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे ऐसा वैसा,
लेकिन वो डेट ही ऐसी पड़ी 10 फरवरी की, 9 फरवरी की मेरी ननद की शादी थी, 10 फरवरी की भैया की शादी थी। तो ज़्यादा कुछ तो हम उनकी शादी में एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन ये बोलने लगे कि शादी बार बार नहीं होती है, चलो चलते हैं अपन उनकी शादी में। और भोपाल हम लोग तुरंत मतलब 2-3 बजे ललितपुर पहुंचे और 5 के समथिंग हम लोग यहाँ पर निकल आए थे ललितपुर से भोपाल के लिए। तो हम यहाँ पर 10 बजे आ गए थे। मनीष भैया को कंटिन्यू कॉल करते रहे कि अभी कुछ हुआ नहीं, जो भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है यार, शादी तो बार बार नहीं होती ना, इनके बचपन के दोस्त हैं, हम लोग कब से उनकी शादी का इंतजार कर रहे थे, हम लोग इस पर्पज से उसी दिन आ गए थे। ठीक है, जब आपको पता नहीं हो तो प्लीज़ बोला मत करो। कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ काम ना करते हुए भी करने पड़ते हैं। आने की बात तो ये है कि मनीष भैया की शादी नहीं होती उसी दिन, तो हम लोग तो 11-12 में भी आते आते ना, ये जॉब नहीं करते, इन्हें छुट्टी मिलती रहती है, इतने दिन पहले से पहुंच गए थे, तो ये भी तो सेंस लगाया करो यार, हम अपने घर पे आए हैं। और मैं ये बताती हूँ, जब आंटी ने मुझसे पूछा कि मैम तुम कब चली जाओगी, तो जब मैंने बताया कि आंटी मैं 2-3 दिन में चली जाऊंगी, तो उन्हें लगा कि मैम चली जाएगी, तो वो हमें 1 तारीख में कार्ड देने आ गई थी। 14 की शादी थी, 1 तारीख में कार्ड देने आई थी वो अंकल आंटी आए। इतने प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया है, इतने प्यार से वो लोग मुझे कार्ड देने आए। जरूरी था वो मुझे जब मैं थी जब कार्ड देते, ये 6-7 में गए थे तब दे देती वो कार्ड, व्हाट्सअप कर देती, ऐसे ही बोल देती कि मेहमा शादी में आना है तो माँ जाना। लेकिन वो हमें 1 तारीख को बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे कार्ड दिया, तो उनकी शादी में नहीं आती क्या मैं? तो मैं फायदा तो दिख गया है, लेकिन उनका प्यार नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे किस तरीके से बुलाया। अब मैं ये तो मैं गाती नहीं फिरूंगी कि अरे वो तो मुझे दीदी ने बुलाया था, ऐसे ऐसे उनका प्यार है, उनने मुझे बुलाया, दीदी ने भी मुझे कॉल किया कि मेहमा आ जाना उस टाइम तक आ जाना। आंटी तो इतनी जिद कर रही थी, नहीं नहीं तो मैं हर फंक्शन अटेंड करने हैं, हर फंक्शन में आना है वो, लेकिन हम आंटी हो पाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, ऐसा ऐसा है मेरे घर में, भी शादी है, आप समझ सकते हो शादी के कितनी सारी चीज़ें हैं। आंटी समझ रही थी, लेकिन वो मुझे प्यार से बहुत अच्छे से 1 तारीख को कार्ड देने आई है। और जब मैं आ गई यहाँ पे तो हर फंक्शन को उन्होंने पूछा, कार्ड दे दिया था, उन्हें क्या जरूरत थी वो हमें हर फंक्शन को पूछे। उन्हें हर फंक्शन में मुझे कॉल किया, हर फंक्शन में पूछा, बालकनी में मैं दिख गई तो महिमा खाना खा जाओ, खाना बन गया, उन्हें हर चीज़ के लिए मुझे पूछा। तो क्या मैं जाती नहीं क्या उनके घर, बताओ आप? तो भैया ऐसा मत बोलो। और रहा वीडियो बनाने का, तो मेरा वो काम है वीडियो बनाना, जब मैं ब्लॉगर हूँ, मैं जब वीडियो बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो मैं कहीं पर भी जाऊँगी मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ, आप लोगों को लगता है कि नेहा दीदी के साथ रह रहकर और सब लोग जानने लगे, देखो फ्रेंड्स ऐसे कोई नहीं, ठीक है हम नेहा दीदी के साथ वीडियो बना रहे हैं, हाँ थोड़ी हमारी ज़्यादा चल जाती है वीडियो या कुछ भी, फ्रेंड्स लोग देख लेते हैं, ठीक है देख लिया, अगर हम उन्हें पसंद आएंगे, हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारी जो वीडियो है, उन्हें पसंद आएगी वो तभी देखेंगे, ना कि वो नेहा दीदी की वीडियो देख रहे हैं तो वो आ रहे नेहा दीदी के साथ हमने वीडियो बनाई तो वो हमारी भी वीडियो देखने लगेंगे, ऐसा कोई नहीं है। जब हमें किसी की वीडियो पसंद आती है हम तभी देखते हैं, हम जैसे नेहा दीदी है तो सबके साथ वीडियो बनाएंगे और भी लोगों के साथ, तो हमें जो पसंद आया हम तो उन्हीं की वीडियो देखेंगे ना, तो ऐसे लोगों का भी है, हम नेहा दीदी के साथ चाहे जितनी वीडियो बनाए कुछ भी बनाए, लोग अगर हमें पसंद करेंगे तो हमारी वीडियो देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं वीडियो में, लोगों को पसंद आएंगी तो वो देखेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देखेंगे। नहीं बढ़ रहे हम नेहा दीदी के साथ, ठीक है 1 बना लेंगे वीडियो, 4 बना लेंगे, 10 बना लेंगे, बाकी की तो हम अपनी बनाएंगे ना वीडियो। तो भैया इसे फायदा उठाना, आप कहते हो तो जरूर बोलते रहो, लेकिन किसी का ऐसे बोलने से पहले वो पूरे उसमें मजाक उड़ाने से पहले वो अपनी ननन की शादी उसे शर्म ही नहीं लगी, मुझे आई हो शर्म या नहीं आई हो, मुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है, वो मुझे कितना सपोर्ट करती है, वो मेरे लिए क्या क्या कर सकती है, तो वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। और मेरे फैमिली वाले मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते जो तुम लोग सोच रहे हो, तो प्लीज़ किसी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो 5 मिनट, फिर बोला करो। बस मुझे यही सब बताना था, फ़ायदा उठाने का तो देखो फ्रेंड्स ऐसा है कि कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठा पाता, सभी सब जानते हैं, हर किसी के पास दिमाग है, तो कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठा पाता, इसलिए फ्रेंड्स और ना हमें उठाना है किसी का फायदा, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी ही दम पे बढ़ेंगे। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 2-3 ही महीने हुए थे, तो अब मेरा काम है यार वीडियो बनाना, अगर कहीं कुछ हो रहा तो मैं तो बनाऊंगी ना वीडियो, तो लोगों ने तो मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही है ना, ऐसी ऐसी बातें कही है कि मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स आप सभी को,
कि अरे वो तो हर जगह कैमरा खोल के ही बैठी रहती है, हर जगह ये वीडियो बनानी वो वीडियो। भैया मेरा काम है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बनाऊंगी, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ ना वीडियो में। पहले क्या, मैं तो अभी भी करती हूँ, अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि कोई कोई रहता है उन्हें नहीं पसंद रहता है वीडियो में आना, तो मैं पूछ लेती हूँ कि आप मेरी वीडियो में आ रहे हो तो कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर उसे प्रॉब्लम होगी वो हट जाते हैं, और नहीं होती तो वो आ जाते हैं। तो भैया मैं हर जगह कैमरा खोले रहूं या कुछ भी, आप अगर आपको पसंद है आप आ जाओ, नहीं आपको पसंद है मत आओ। लोग तो मुझे देखने आ रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं तो मुझे देखने आ रहे हैं, ना कि आपको देखने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा किसी का मजाक ना उड़ाएं, जिसका जो काम है वो अपना कर रहा है। देखो मेरा वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, और लोगों ने, अरे व्यू तो आते नहीं, देखो व्यू तो आते नहीं है, बड़ा वीडियो बना रही है, ये बना रही है, वो बना रही है। देखो व्यू का ऐसा है फ्रेंड्स, खोलते ही सबके व्यू नहीं आने लगते, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो, अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, जब मेहनत करोगे तो फल तो आपको मिलेगा ना। आप तो अपना कर्म करो, फल की क्यों आप चिंता कर रहे हो। हमें अच्छा लगता है, हम बनाते हैं, जो बहुत शौक है वीडियो बनाने का, जो छोटी छोटी चीजें हैं हम क्या कर रहे हैं वो, तो मैं डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। व्यू आने लगेंगे बाद में, आने लगेंगे व्यू तो। देखो स्टार्टिंग से व्यू आने स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, मेहनत करोगे आप उस चीज पे, आपके जरूर व्यू आएंगे, आप जरूर ग्रो करोगे। सब भगवान पे छोड़ दो, है कि नहीं। तो बस, तो मैं कैमरा खोले रहती हूँ या क्या करती हूँ, तो प्लीज मत ऐसा बोला करो। मैं थोड़ा उदास हो जाती थी, फिर इन्होंने समझाया कि अगर अपन कुछ काम करते हैं तो सोचना नहीं पड़ता, अगर तुम चार लोगों की सुनोगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे, अगर तुम्हें चार लोगों की सुननी है तो फिर छोड़ दो। तो फिर मुझे मतलब थोड़ा जोश आया, फिर मैं नहीं सोचती थी अब कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कैसा क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत क्या, पूरा सपोर्ट किया है उन्होंने, मुझे हर जगह समझाया है वीडियो बनाने में। और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे से मतलब सब लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा हो जाए, अच्छे से तुम आगे बढ़ो, सब लोग यही बोलते हैं। तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसे मत बोला करो, आपको मुझे बोलना है मुझे बोल लो, ये मत बोलो कि उसे शर्म नहीं आए, उसकी फैमिली क्या सोच रही हो ये वो। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, ब्लॉग बोल सकते हैं या थोड़ी सी आपसे बातचीत बोल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।